सब्सक्राइब कीजिए अखिल फ्रीडिश को और बेल आइकन दबा के लेटेस्ट वीडियो पाइए सबसे पहले। हाय दोस्तों, फिर से एक बार हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको रिपेयरिंग से जुड़ी कोई जानकारी चाहिए तो दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ही आपके लिए इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए दोस्तों LED टेस्टर, जो कि बहुत ही बढ़िया टेस्टर होता है दोस्तों, जो कि आपके पास में मल्टीमीटर नहीं है तो आपको ये टेक्निक बहुत ही काम आ सकती है, मल्टीमीटर का भी काम कर सकते हैं दोस्तों। जितने आपके पार्ट होते हैं डायवेट, आपके जो पावर सप्लाई में जितने भी पार्ट होते हैं डायवेट पावर सप्लाई में जितने होते हैं PF और कैपेसिटर, यहाँ तक आप प्रिंट भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से ट्रैक भी चेक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसे हम खोल लेते हैं और आपको दिखाते हैं इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है दोस्तों, और ये घर पे ही बना सकते हैं दोस्तों, मगर ये दोस्तों बहुत कुछ महंगा नहीं। और इसकी कीमत की बात करें तो दोस्तों ये बहुत ही हमने चीप रेट में लिया है दोस्तों, ये 30-40-50 रुपए के अंदर मिल जाता है। और इसे आप घर पे ही बनाना चाहते हैं तो 15-20 रुपए में आपको घर बैठे मिल जाएगा दोस्तों ये वाला LED टेस्टर। इसके लिए क्या क्या लगेगा तो इसके बारे में दोस्तों कुछ अगले वीडियो में आपको जानकारी देंगे, और आपके कमेंट आते हैं तो हम आपको बना के भी दिखाएंगे दोस्तों ये घर पे ही आपको ये LED टेस्टर। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा मल्टीमीटर का कोई काम नहीं रहा है और इस वाले LED टेस्टर को बहुत ही आसानी से आप यूज़ कर सकते हो। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक पावर सप्लाई हमारे पास में, वो भी आपको बताएंगे इसमें चेक करके। और ये देखिए दोस्तों, ये पावर सप्लाई है DD फ्रीडिश का, इसमें कौन से पार्ट होते हैं वो अच्छी तरीके से इसे चेक कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये डायोड होते हैं, ये बहुत ही काम आता है इसके अंदर, जो डायोड चेक करने के होते हैं तो हम इससे आपको डायोड भी चेक करके दिखाएंगे। और दोस्तों ये बहुत ही छोटी चीज़ है, मगर दोस्तों इसमें बहुत सारे चीज़ें चेक कर सकते हैं हम, जैसे कि हमारा केबल वायर होता है वो भी हम इसे चेक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हम खोल लेते हैं, और इसे हम यहाँ से इस तरीके से इसे खोल लेते हैं ब्लेड के माध्यम से। और यहाँ पर आप केबल की बात करें तो दोस्तों प्रॉपर जो केबल का जैन होता है प्रॉपर ठीक से जैन नहीं होता है, हो भी गया तो उसमें शॉर्टिंग होती है, और ये हमें उस टाइम बहुत काम आता है। और इसकी कंपनी की ब्रांडिंग की बात करें तो दोस्तों ये लोकल ही है दोस्तों, जो कि कोई कंपनी में कोई आता नहीं है, कोई भी कुछ नाम लिख के लगा देते हैं। तो चलिए दोस्तों इससे हमें क्या लेना देना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एक मल्टीमीटर के जैसे ही आते हैं, इसके जो लीड होते हैं ये हमारे मल्टीमीटर के लीड है, और उस टाइप ही है दोस्तों ये लीड भी, इसमें हमें चेक करने में आसानी हो जाती है। और देखिए दोस्तों इस तरीके से चेक करना होता है इसे हमें, और इसमें हमें कंटिन्यूटी मिल जाती है और ये सीरीज का काम करता है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमें चेक करना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये पावर सप्लाई रखे वाला है हमारा, और आपको हम इसके डायोड चेक करके बताते हैं दोस्तों। जैसे कि आपको पता है दोस्तों डायोड चेक नहीं होते बाकी कोई चीज़ से, और ये हमारा जो जुगाड़ टेस्टर है दोस्तों, उससे हम बहुत ही आसानी से आपको ये वाले चेक करके दिखा सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये फॉल्टी दिख रहा है, ये अगल बगल में से अभी ये देखिए दोस्तों, इसमें नहीं लाइट आ रही है, एक साइड में वन साइड में लाइट आ रही है, वन साइड में नहीं आ रही है, और ये वाले जो डायोड होता है इसमें दोनों साइड से लाइट आ रही है, यानी कि ये डायोड ख़राब है हमारा। तो बहुत ही आसानी से इसे हम ये फॉल्ट निकाल सकते हैं डायोड का जो पावर सप्लाई का दोस्तों। डायोड चेक करने का दोस्तों इसमें तरीका यह है दोस्तों, एक साइड में आप लगा लीजिए, और वो साइड से अगर लाइट नहीं आता है और दूसरे साइड से लाइट आता है तो इसका यानी कि ये मतलब होता है दोस्तों कि डायोड ये चालू है, और दोनों साइड से अगर लाइट आता है यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ये डायोड ख़राब है, इसका ये मतलब होता है दोस्तों। तो आपको समझ में तो आ गया होगा दोस्तों ये थ्योरी। और दोस्तों ये होता है हमारा साधारण तरीके से आपको समझाना दोस्तों। तो आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों आप सब्सक्राइब चैनल हमारा कर लीजिए आप, ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहे दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमें फ्यूज़ भी चेक कर लेते हैं, और यहाँ पर ये फ्यूज़ भी ओके बता रहा है। अगर आपकी ये कंटिन्यूटी नहीं आती है तो आपका यानी कि ये फ्यूज़ ख़राब है दोस्तों। बहुत ही रिपेयरिंग में दोस्तों ये टेक्निक बहुत ही आसान है, आप घर बैठे ही आप ये काम सीख भी सकते हैं दोस्तों, ये टेक्निक बहुत ही बढ़िया है। आप देख लेते हैं दोस्तों इसका मेन स्कॉट जो होता है पावर सप्लाई, जैसे कि आपको चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है, या मेन स्कॉट ख़राब है तो उस कंडीशन में यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक सिरे पे यहाँ पर ये लाइट लगा लीजिए,
और एक सिरे पे यहाँ पर चेक कर सकते हैं दोस्तों, जहाँ पर आपके मेनू स्कर्ट के वायर आ रहे हैं। अब इसके पलटा के देखते हैं हम, और यहाँ पर भी आ गए है कंटेंट, यानी कि और यानी कि ये मेन स्कर्ट अच्छा है दोस्तों। तो और भी और कोई चीज़ देख, और दोस्तों साथ में इसके बाकी की जो चीज़ें हैं दोस्तों डायवेट के अलावा, वो भी चेक कर सकते हैं इस LED टेस्टर से हम। तो इस तरीके से चेक कर सकते हैं हम बहुत ही आसानी से, हमारा जो पावर सप्लाई है वो रिपेयर कर सकते हैं हम, बहुत सारी चीज़ें इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये डायोड भी चेक कर रहे हैं हम दोस्तों, मगर ये बात का ख्याल रहे आप। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक साइड में थोड़ा सा लाइट आ रहा है, इसकी वजह ये है, ये जो पावर सप्लाई है दोस्तों जो कार्ड में कनेक्ट है, ये जाग निकालने के बाद में बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। ये देखिए दोस्तों, उसमें थोड़ा भी करंट नहीं आ रहा है। अब लगाने के बाद में आपको दिखाते हैं हम। अब और आप जब भी चेक करें तो ये वाली जॉक निकाल के चेक करें, तब अच्छे से ये टेस्टर काम करेगा हमारा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को ये वाला वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो दोस्तों चलिए, इस वाले वीडियो को कर लीजिए प्लीज़ लाइक, और आपने अभी तक हमारा चैनल नहीं करा सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।